Let us see one more example. So find the equation of the locus of points which are equidistant from A. Okay, find the equation. Of the locus of points which are equidistant from A, which is -30, and B, which is 30. Okay, so identify the locus they are saying. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि लोकस ऑफ पॉइंट इज विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी. मतलब इट इज सिंपली व्हाट मैथमेटिकली अगर हम लोग लिखे तो एल इज पी एंड पी इज सच दैट पी ए इक्वल्स टू पी बी. राइट, यही बोल रहे है ना. और उन्होंने ए के कोऑर्डिनेट्स दिए, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई. राइट, सो लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट इन द ऑन द रिक्वायर्ड लोकस. ओके, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन. लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस. ठीक है, एंड पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी. राइट, विच मीन्स व्हाट, पी ए इज इक्वल टू पी बी, है ना. तो अभी हमें क्या करना है, we have to find the equation of the locus, है ना. उस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है. और हमें पता है, देखो पी इक्वल्स टू पी बी, ये कंडीशन पे अपने को क्या मिलता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है. और उन्होंने इक्वी डिस्टेंस दिया तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू या डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, है ना. तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ये डिस्टेंस है ना, पी एक डिस्टेंस है, पी भी एक डिस्टेंस है. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट. सो इफ वी टेक लाइक पी ए, अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करें, इट इज नथिंग बट रूट ऑफ, देखो पी है एक्स वाई, ए क्या है, ए इज it is 30, no it is -30 and b is 30. ठीक है, तो p हमें पता है, p is what, x y, so it will be x minus minus of 3, है ना. so x minus minus 3 इसका whole square plus क्या है, y minus 0 whole square, this is p a. What will be PB? PB will be root of what? X minus 3 whole square plus Y minus 0 whole square. Yeah? तो ये दोनों अगर यहाँ पे, you know, we put this equation, I term this as equation 1, this as equation 2, and this as equation 3. Okay, so from 1, 2 and 3, we get what, अभी दोनों को इक्वेट करो, है ना, इन दोनों साइड्स को इक्वेट करो,
सो वी हैव रूट ऑफ दिस बिकम्स एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर है ना इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर राइट ये मिलता है अपने को तो इसका क्या बनेगा देखो रूट और रूट तो हट जाएगा सो व्हाट वी गेट इज एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर अगर एक साइड पे लेके जाए तो इट विल बी कैंसल्ड आउट इट विल बिकम 0 सो व्हाट वी हैव अगेन इज एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर ओके तो वापस ये स्क्वायर हम लोग हटा सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 तो सॉरी ऐसे नहीं करेंगे इससे x x ही कैंसिल हो जाएगा व्हाट विल डू इज विल एक्सपांड दैट ओके ये जो है स्क्वायर विल एक्सपांड इट सो व्हाट वी गेट इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 9 है ना वी आर यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज ए स्क्वायर प्लस विल राइट द फॉर्मूलाज फर्स्ट देन विल अप्लाई ओके ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ठीक है ये हम लोग यूज करेंगे सो यहाँ पे दिस इज a दिस इज b दिस इज a दिस इज b ओके सो व्हाट वी गेट इज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है ना एंड हियर व्हाट वी गेट इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 राइट सो इफ वी मूव एवरीथिंग टू वन साइड अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करें तो हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0 राइट तो ये कैंसिल हो गया है ना प्लस माइनस गया क्या बचा 12x equals to 0 which means x is equal to 0 है ना तो ये भी तो एक equation है x is equal to 0 किसका equation है ये y axis का equation okay if you carefully see in the coordinate axis अगर x ये 0 value देता है तो कहाँ कहाँ देता है यहाँ 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 देता है so it traces nothing but y axis And if y is equal to 0, it traces what? X-axis. Okay, so this is our y-axis. And that is our x-axis. So, abhi hamara equation kya hai? Y-axis. So, y-axis hai apne a aur b ka perpendicular bisector. Now, if we check, our a is what? Minus 3, 0. So, minus 3, 0 kaha aega? And x is minus 3. Kuch yaha aega. Hai na? A. And b is what? B is 3, 0. So, kuch yaha aega. Hai na b. Which is 3, 0. This is minus 3, 0. So, ekdam yaha pe legitly proved hai. Ki apna perpendicular bisector kya hoga? Y-axis hoga. Okay. To aap ye geometrically bhi dekh ke bata sakte the. Theek hai, geometrically agar aapne ye banaya hota. तो हम देख के बोल सकते थे कि ये जो लाइन है ए बी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नथिंग बट आर वाई एक्सिस विच इज एक्स इज इक्वल टू जीरो तो डायरेक्टली आप ये आंसर टिक कर सकते थे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती तो है ना और एनालिटिकल मेथड से भी अभी हमने सॉल्व किया ऊपर ओके सो दैट आर द टू मेथड्स यू कैन यूज टू सॉल्व बोर्ड्स में अगर आपको पूछे कि इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढो तो यही मेथड यूज करो एनालिटिकल ओके और यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल मेथड कितने इजी बन गई ये आप जे या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे विजुअलाइज करके भी आप डायरेक्टली बना सकते हो ओके तो आपको कुछ स्टेप्स की जरूरत नहीं होगी इतना ही आपका आंसर होगा ओके सो दैट इज देयर
तो आपको कुछ होमवर्क देता हूँ मैं। होमवर्क में ले लो, यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन दिस इज जीरो माइनस थ्री, जीरो थ्री, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, बस मैंने ये इतना ही चेंज किया क्वेश्चन, ओके? कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज किए, बाकी सब सेम। तो ये आपका होमवर्क है, एक ये होमवर्क है, दूसरा आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, जिसमें बस मैं आर रिप्लेस करूंगा विथ सिक्स और विथ फोर, ठीक है? फोर यूनिट्स, ठीक है? ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ओके? सो दैट इज योर होमवर्क, ओके? तो अभी बच्चों ये चीज देखो, ये जो लोकस है ना, इसके काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं। ये हम लोग क्यों पढ़े आज, पूरा एक लेक्चर हमने लोकस पे स्पेंड किया है। तो ये लोकस जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी, जो हमने तीन आज एग्जांपल्स देखे, दो एग्जांपल्स का तो मैं एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। हमने सर्कल देखा, तो आपने कहाँ देखा है ये लोकस ऑफ सर्कल? आप जब रडार देखते हो, आपने मूवीज में वगैरह देखा होगा, ऐसे कुछ रडार होता है, ये कुछ ऐसा फ्लैशिंग ये होता है जो ऐसे घूमते रहता है ना? और यहाँ पे कुछ सर्कल्स बने होते हैं रडार, है ना, फाइटर जेट्स के, या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ले लो, या कोई भी जेट ले लो, कोई भी प्लेन ले लो। तो यहाँ पे आपको ये जो लाइंस होते हैं, दिस इज नथिंग बट लोकस, ठीक है? तो ये लोकस बताता है आपको, यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं, है ना, वो मूव हो रहे हैं, तो वो लोकस बनाएगा कि इसका पाथ ये है तो इट इज अप्रोचिंग, उसका पाथ वो है तो इट इज नॉट अप्रोचिंग, इट इज गोइंग अवे। दिस इज द लोकस ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है? तो अपने ये डिस्टेंस पे, अपने इतने डिस्टेंस पे वो है प्लेन, अपने इतने डिस्टेंस पे, दिस इज नथिंग बट लोकस यू सी इन द जेट्स, ओके? दिस इज वन थिंग। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कब देखते हो? मान लो आप बास्केटबॉल फील्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या फिर फुटबॉल कोर्ट जो है, फुटबॉल ग्राउंड जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है? तो ये पॉइंट ले लिया आपने, ये दो पॉइंट ले लिए ए बी। आपको हाफ लाइन बनानी है, कैसे बनाओगे? हाफ लाइन इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दिस पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ले लो पी, विच इज पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे पी अगर आप ट्रेस करो, यू विल गेट द हाफ लाइन। आर यू गेटिंग इट? ओके, तो यहाँ पे पी, ये जो पॉइंट है, दिस इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी ए एज वेल एज पी बी, सॉरी ए एंड बी, ओके? पी इफ इट इज हियर देन अगेन पी ए इज इक्वल टू पी बी, इफ पी इज हियर देन पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है? ऐसे आप ऑफलाइन बना सकते हो, ओके? दिस इज यूज इन कंस्ट्रक्शन, ओके? और अगर मान लो कि अगर एक लाइन है, ओके, ए बी एंड यू हैव टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, ओके, एंड देयर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ए बी, सो इट्स लाइक पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। तो आप क्या बनाओगे? व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। दिस आल्सो हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन। अगर आप ब्रिज बना रहे हो, रोड बना रहे हो, ठीक है? तो अगर आपको पता है कि रोड का ये ऐसा पाथ है, तो रोड कैसे बनाओगे? सो दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड इट इज ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, है ना? मान लो ये ऐसा पाथ जाना है आउट, ठीक है? और आपको इसके अगेंस्ट रोड बनाना है, तो पैरेलल लाइंस कैसे खींचोगे? ये जो है, दिस इज पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, ओके? सो इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या बोलते हैं अपना, जो इंटरसेक्शंस होते हैं, है ना, चौक होते हैं, उसके उसके कंस्ट्रक्शन में ये आप कैसे बनाओगे, है ना? तो यहाँ पे भी लोकस यूज होते हैं, ओके? सो लोकस हैज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन एंड इट बिकम्स वेरी मच इंटरेस्टिंग एज यू नो दीज थिंग्स इन डिटेल्स, ओके? तो छोटी छोटी चीजें मैथमेटिक्स में बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं इसके, ओके? सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने आज देखा क्या क्या देखा?
वी स्टार्टेड विद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको, राइट? एंड देन वी सॉ द कंटेंट्स कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. आज हमने लोकस स्टडी किया पूरा, है ना, और लोकस में हमने क्या क्या देखा. बेसिकली वी आर गोइंग टू सी दीज थिंग्स इन टाइम. लोकस में हमने क्या क्या देखा, मैं आपको एग्जाम्पल दिया. सेट ऑफ पॉइंट्स, दो चीजें होती है लोकस, एक तो सेट ऑफ पॉइंट्स, दूसरा होता है पाथ ऑफ अ पॉइंट विच इज मूविंग फॉलोइंग सर्टन ज्योमेट्रिकल कंडीशन. ठीक है, तो सेट ऑफ पॉइंट्स पे भी डेफिनेशन है और सिंगुलर पॉइंट व्हेन मूव्ड इस पे भी एक डेफिनेशन. ओके, फिर हमने लोकस को लिखते कैसे है वो देखा, है ना. फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे सर्कल ट्रेस करने के, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के. फिर हमने उसके ऊपर एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए. ओके, फाइनली एप्लीकेशन हमने देखा और आपको दो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं मैंने. ओके, चाहिए तो अभी वीडियो पॉज करके देख लो. ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये है दूसरा क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन फटाफट बनाओ, मुझे भेजो. और आप लोग पिछले चैप्टर का मतलब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के मिसलेनियस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.